नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड भी है। इन उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जीत से उत्साहित तो है, लेकिन इन राज्यों को लेकर सशंकित भी है और इसी हार जीत को दुरुस्त करने की मंशा से भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए। लेकिन इस दौरान एक संकट खड़ा हो गया। ये संकट ऐसे राज्य से खड़ा हुआ है जिन राज्यों पर भाजपा को बड़ा भरोसा है, ऐसे राज्य से खड़ा हो गया जो राज्य बीजेपी के हिट लिस्ट से बाहर हो चुका है और वो कांग्रेस की हिट लिस्ट पर आ चुका है। राहुल गांधी हर चर्चा में उस राज्य का नाम लेते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्षी दल उस राज्य के बिना एक चर्चा करना संभव और उचित नहीं समझते। हम उसकी चर्चा करेंगे और इस पूरी चर्चा को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि समझ सकें कि क्या होने वाला है इस खबर के अंत में। किस राज्य का मुख्यमंत्री हटने जा रहा है, किस राज्य का मुख्यमंत्री आने वाले दो दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर इस्तीफा दे सकता है। दैनिक भास्कर ने इस पर एक विशेष रिपोर्ट लिखी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अन्य भी चर्चाओं के दौर में ये बात केंद्रित हो गई कि एक राज्य का मुख्यमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं बदला तो वहां विद्रोह हो जाएगा और विद्रोह होगा तो सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरेगी तो गलत इंपैक्ट चला जाएगा। भाजपा कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदल चुकी है, यह कोई उसके लिए नया प्रयोग नहीं होगा। आइए हम सीधा आपको ले चलते हैं खबर पर। क्या है इस खबर का सारा रहस्य? महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले मणिपुर में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा अब जोर शोर से शुरू हो चुकी है। 19 मैतेई विधायकों की पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद अब सत्ता में समीकरण बदल चुके हैं। अगला पीएम सीएम कौन होगा? विधानसभा स्पीकर समेत इस सूची में चार नाम बड़े तेजी से चल पड़े हैं। आखिरकार 540 दिन की अशांति के बाद मणिपुर में सरकार नेतृत्व बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकार का नेतृत्व एन वीरेन सिंह कर रहे हैं, जो पहले मुख्यमंत्री थे। उससे पहले भी वो कांग्रेस में भी बड़े नेता के तौर पर रहे और लगातार एक बड़ी भूमिका निभाते रहे। लेकिन अब पिछले 540 दिन से जो अशांति फैली है उसे काबू नहीं कर पा रहे। चर्चा है कि महाराष्ट्र में चुनाव अभियान शुरू होने से पहले भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मणिपुर में लीडरशिप बदलने का फैसला ले सकता है। वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को लेकर मैतेई विधायक दो खेमों में बट गया है। अभी फिलहाल ही में 19 भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उसी के बाद इम्फाल से लेकर दिल्ली तक कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्य में भाजपा के 32 विधायक हैं। इन्हीं में से 19 विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया कि एन वीरेन सिंह को बिना हटाए शांति नहीं आ सकती। पार्टी नेतृत्व ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और वीरेन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी को दिल्ली बुला लिया गया है। दोनों अभी नई दिल्ली में, इन पर अगले 2-3 दिन में फैसला होगा। मणिपुर विधानसभा के एक विधायक ने न्यूज एजेंसी भास्कर को बताया कि सभी 19 विधायक हरियाणा चुनाव से पहले पीएम को चिट्ठी लिखने वाले थे,
लेकिन पीएमओ में दखल रखने वाले एक नेता ने उन्हें फिलहाल रुकने के लिए कहा। इसके बाद 15 अक्टूबर को जब गृह मंत्रालय ने कुकी, नगा और मैतेई विधायकों को बातचीत के लिए बुलाया, तो इस 1 घंटा 50 मिनट की मुलाकात में से 1 घंटा अकेले कुकी विधायकों को दिया गया। कुकी विधायकों ने शांति के बहाली के लिए पहली शर्त बीरेन सिंह को हटाने की रखी। इसके बाद जब मैतेई विधायकों से मंत्रालय के अफसरों ने लीडरशिप बदलने के बारे में पूछा तो किसी ने भी मना नहीं किया, लिहाजा पार्टी नेतृत्व इस दिशा में आगे बढ़ने लगा। दिल्ली से विधायकों के इम्फाल लौटते ही जीरीबाम में हिंसा हो गई। विधायकों ने पीएम को वो चिट्ठी भेज दी जिसके 2 पेज उसके बाद लीक भी हो गई। मणिपुर के एक विधायक ने बताया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भाजपा नेतृत्व ने लगभग फैसला कर लिया है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 4 नामों की चर्चा बड़ी तेजी में है। इनमें सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह हैं। ये कभी बीरेन सिंह के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते थे, लेकिन हिंसा को नियंत्रित करने के मुख्यमंत्री के प्रयासों से नाराज चल रहे हैं। प्रधानमंत्री को 6 पेज की जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें सत्यव्रत के हस्ताक्षर सबसे प्रथम थे, ऊपर थे। इन सभी 19 विधायक जो राजी हैं, फिर दूसरे नंबर पर मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह, मंत्री युगनाम खेमचंद सिंह और फिर अंतिम में गोविंद दास सिंह के नाम चल रहे हैं। इन 4 नामों में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल जो सबसे प्रमुख नाम है वो विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत सिंह का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो बाकी दिन सरकार के बचे हैं वो सरकार बड़ी सुगमता से अपना कार्यकाल पूरा करे। जो लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या फिर विपक्ष के और नेता ममता बनर्जी समेत जो नेता भी मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते हैं, उन्हें रोकने के लिए ये सब करना बेहद जरूरी बन चुका है। मैतेइयों के हथियारबंद संगठन भी इस मामले पर मौन है। मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने हथियारबंद संगठन अरंबाई टेंगोल को खुली छूट दे दी है। ये लोग बड़े पैमाने पर उत्पीड़न, जबरन वसूली में शामिल हैं। हालांकि जब से राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा शुरू हुई है तब से अरंबाई टेंगोल का कोई भी नया बयान नहीं आया है। मैतेई संगठन बचे हुए, एक ने कहा सीएम ना बदले और एक कह रहा है कि सीएम के बिना बदले मणिपुर में शांति आना बेहद मुश्किलात भरा काम होगा। मणिपुर में लीडरशिप बदलने के विचार में मैतेई संगठन भी आपस में बट गए हैं। यूनिवर्सल मदर्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संकट के बीच कुछ विधायक मंत्री सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को हटाने के बाद तुरंत नया सीएम नहीं बनाया गया तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसमें मैतेई लोग परेशान हो सकते हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड मैतेई काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में तत्काल सक्षम और जवाबदेह सरकार बनाने का आग्रह किया है, क्योंकि मौजूदा सीएम को कथित अक्षमता के कारण रोज विफलताओं का सामना करना पड़ता है। ये जो हमने आपको पूरा घटनाक्रम विधिवत बताया, कौन मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार है, सत्यव्रत सिंह प्रबल दावेदार है और राज्य के मैतेई और कुकी समुदाय दोनों मुख्यमंत्री बदलने के नाम पर आमादा हैं। अब एक राज्य का मुख्यमंत्री बदला जाना तय है, यानी 36 से 48 घंटे के मध्य 2 से 3 दिन के बीच बीजेपी का एक मुख्यमंत्री बदला जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन क्या 545 दिनों से चल रही अशांति मुख्यमंत्री बदलने के बाद क्या शांति में परिवर्तित होगी? पूरा देश, पूरे विश्व की निगाहें मणिपुर की ओर लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली गई, बड़ी तादाद में
घर मकान दुकान व्यवसाय प्रतिष्ठान जलाए गए, बड़ा नुकसान हुआ, प्रतिष्ठान का हुआ, सामाजिक हुआ, और जो बीच में खाई बन गई दो समाजों के ऊपर, बीच में कुकी और मैती, दोनों में ये दूरियां कम कैसे हों, ये सवाल बड़ी प्रमुखता से मणिपुर में तैर रहा है। हालांकि सवाल को लेकर आगे और क्या डेवलपमेंट होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस मुख्यमंत्री बदलने की खबर से और भी कई राज्यों में समीकरण गड़बड़ाने लगे हैं, और इन गड़बड़ाते हुए समीकरणों में कई बड़े देश के सूबे बड़े संकट में जूझ रहे हैं, वहां भी उपचुनाव है। इन उपचुनावों को लेकर आरएसएस प्रमुख, इन उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, यहां तक उम्मीदवारों की घोषणा करने पर भी बाकायदा कोताही बरती जा रही है। कैसे इस पूरे जो सिस्टम बन चुका है इससे निजात मिले। फिलहाल मणिपुर के मुख्यमंत्री बदले जाने की लगभग केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लग चुकी है। एन बीरेन सिंह की कुर्सी कौन संभालेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अब खतरे में दिख रहा है। एन बीरेन सिंह पुराने नेता हैं, क्या इस दौरान वो पार्टी में विद्रोह भी कर सकते हैं? क्या जो 19 के अलावा जो 36 विधायक हैं बीजेपी के, क्या बाकी विधायक जो बचते हैं वो एन बीरेन सिंह के साथ हैं या फिर वो एन बीरेन सिंह के खिलाफ हैं? ये कह देना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एन बीरेन सिंह उस एन मौके पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हो गए थे जब बीजेपी वहां सत्ता में नहीं थी। कांग्रेस की सत्ता का पूरा लाभ लेकर एन बीरेन सिंह अंतिम दौर में बीजेपी में शामिल हुए और अगला चुनाव जीतकर फिर पुनः मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिस्थापित हुए। ऐसे लगातार मुख्यमंत्री बने रहने वाले एन बीरेन सिंह क्या आसानी से पद छोड़ देंगे या फिर एक राज्य की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी अब दूर जा रही चल पड़ी है दूर? ये सवाल दर्शकों से मैं जरूर जानना चाहूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 545 दिन में राज्य में शांति स्थापित करने में क्यों नाकाम रही, क्या कमियां रही? क्या केंद्रीय सरकार जो डबल इंजन की बार बार गुहार लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या दोनों इंजन इस शांति को स्थापित करने में नाकाम दिखे? क्या दोनों इंजनों ने उन आम आदमियों जो जनमानस की जाने चली गई, वो कुकी समुदाय से थे, मैतेई समुदाय से थे, मरने वाले सब भारतीय थे, बच्चे महिला बूढ़े जवान सब लोगों की जो जान गई, क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो मणिपुर के निवासी नहीं थे? इस सब पर एक लंबी बहस की जरूरत बाकी है। लगातार लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक ये चर्चा हुई, इस पर विशेष बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन इस बातचीत से हर बार केंद्र सरकार बचती नजर आई। अब तक प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा नहीं हुआ, मणिपुर आज भी जल रहा है। मणिपुर में गाय बगाए हिंसा की खबरें आती रहती हैं। इस हिंसा को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार भी अब मणिपुर को शांति की ओर ले जाना चाहता है। कुकी और मैतेई समुदाय में अब इतने फासले बढ़ चुके हैं, ये नफरत का भाव इतना बढ़ चुका है, उसे कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पहल की जरूरत है। राज्य में शांति स्थापित कैसे की जाए, केंद्र से लेकर राज्य तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी के ऊपर दोषारोपण करके वहां ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक दल वहां की शांति में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। तो इस लिहाज से जो खबर मुझे मिली, मुझे जो जानकारी मिली, मैंने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और महाराष्ट्र झारखंड और बाकी के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में उपचुनाव के दौरान ये खबर भारतीय जनता पार्टी को अंदर तक चोट पहुंचाती दिखेगी। अगर मणिपुर में एन बीरेन सिंह के हटने के बाद क्या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या एक राज्य की सत्ता से दूर जाएगी, ये सवाल अभी एन बीरेन सिंह के खाते की तरफ जाता दिख रहा है। एन बीरेन सिंह और वहां के विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय दिल्ली बुला लिए गए हैं। देखना यह होगा कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इसी इंतजार में फिलहाल आपसे विदा लूंगा। नमस्कार।